जब भी मैं मोबाइल को अपने हाथ पे लेता हूँ या फिर मोबाइल को जब भी मैं अनलॉक करता हूँ, तब मुझसे मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर्स मुझसे ये पर्सनली में सवाल पूछने लगते हैं कि हमारे डिवाइस में अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, टुडे कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं, ऐसे बहुत तरह तरह के मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को फाइनली उन सभी डिवाइस के बारे में आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और साथ में आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ आज 10 सितंबर है और आज देखते हैं कौन कौन से डिवाइस को MIUI 12 का जो अपडेट है वो देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को फ्यूचर में इससे रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि आज Xiaomi की तरफ से हमारी इंडिया में MIUI 12 का जो अपडेट है वो हमारे Poco F1, जी हाँ दोस्तों, इसी डिवाइस को देखने को मिला है। लगभग ये 2 GB का फाइल है, तो अगर आपके पास Poco F1 डिवाइस है तो अपने चेक फॉर अपडेटर ऐप के थ्रू एक बार ज़रूर चेक कर ले, आपको वहाँ ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। और इसमें से कुछ यूजर है उनके तरफ से ये सवाल आ रहा है कि ये अपडेट तो हमें देखने को ही नहीं मिला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो अपडेट है ये पार्शियली अपडेट, यानी कि कुछ सेलेक्टेड यूजर को ही पर्सनली में रोल आउट किया गया है। और दोस्तों, अगर आप सभी को अपडेट देखने को नहीं मिलता है तो आप सभी को आने वाले 1 वीक के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप सभी को वेट करना पड़ सकता है अगर आप सही टाइम में अपडेट को नहीं चेक किए होंगे। उसके बाद सेकंड अपडेट यहां पर ये आ रहा है कि Redmi 7 डिवाइस की तरफ से, जी हां दोस्तों, Redmi 7 डिवाइस में भी आज फाइनली Xiaomi की तरफ से MIUI 11 का एक न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया, जिसका वर्जन है 11.0.7.0। और दोस्तों, इस अपडेट में आप सभी को अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, और साथ में इस अपडेट में आप सभी को जो चाइनीज एप्लीकेशन थे MI ब्राउजर और MI वीडियो, इन दोनों एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया गया है। और दोस्तों, इसमें और भी कुछ नए फीचर्स देखने को मिले, मैं आप सभी को एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। तो मैं फिलहाल के लिए आप बता दें कि आप सभी को कैमरे जो फंक्शन है, कैमरे का थोड़ा फंक्शन थोड़ा चेंज किया गया है और कुछ नए फीचर्स उसमें डाले गए हैं। अब देखते हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा Redmi 7 से रिलेटेड तो हम आप सभी को जरूर ही बताएंगे। उसके बाद Redmi Note 7 S, इन दोनों डिवाइस के लिए भी आज फाइनली Xiaomi की तरफ से बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आया है। गुड न्यूज ये है कि इन दोनों डिवाइस को आज फाइनली पब्लिकली Android 10 का जो अपडेट है वो पब्लिकली अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। तो इसमें से कुछ यूजर का ये कहना कि ये अपडेट तो हमें पहले ही देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसे भी यूजर हैं जिनको अपडेट देखने को नहीं मिला था, पर आज Xiaomi की तरफ से इसे पब्लिकली रोल आउट कर दिया गया Android 10 का। तो दोस्तों, जिनको देखने को नहीं मिला उनको भी अब देखने को मिलेगा, जिनको देखने को मिला था तो वो तो अच्छी बात है, उनको तो अब देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इन सभी डिवाइस के जो यूजर हैं इनका तरफ से ये सवाल आ रहा है कि MIUI 12 का। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी को पता है Xiaomi की तरफ से Android 11 का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और आप सभी को पता है जितने भी सारे ब्रांड हैं हमारे इंडिया में, सभी ब्रांड ने Android 11 का जो अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया अपने डिवाइस में, पर Xiaomi ही ऐसा डिवाइस है जो अभी तक पीछे है Android 11 को लेकर। तो Xiaomi की तरफ से अभी प्रेशर आ रहा है कि जल्द से जल्द आप MIUI 12 का जो अपडेट है सारे डिवाइस में रोल आउट करें, जल्द से जल्द Android 11 का भी अपडेट प्रोवाइड करें, क्योंकि आप सभी को पता है जब तक MIUI 12 का अपडेट प्रोवाइड नहीं होगा तब तक Android 11 का अपडेट किसी भी डिवाइस को देखने को नहीं मिलेगा, और Xiaomi की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है Xiaomi के ऊपर। आप देखते हैं फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आप सभी को जरूर ही बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।